वादे हुए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, किसकी गरीबी हटी है? क्या मुसलमानों की गरीबी हटी है? क्या दलितों की गरीबी हटी है? क्या किसान खुश है? क्या युवाओं को रोजगार है? आज स्थिति जो है बहनों और भाइयों इतनी खराब है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में कहती है कि गांव में 26 रुपए से ज्यादा यानी 27 रुपए प्रतिदिन जिसका उत्पन्न है वो आदमी धनवान है, और शहर में जो 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन का उत्पन्न जिसका है वो धनवान है। मैं हमारे यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करिए कि 27 रुपए प्रतिदिन में गरीब आदमी कैसे जी सकता, आप हमको बताइए। सोनिया जी आप बताइए, आपकी सरकार कह रही है कि 33 रुपए अगर मिल जाएंगे तो आप धनवान हो गए, हमारे जो धनवान ऐसे हैं जरा बताइए कि हम रोजी रोटी कैसे खाएं। आज महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। बहनों और भाइयों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज रोजमर्रा चीजों के भाव, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कागज पर लिख लीजिए और याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार। कभी महंगाई थी, आज तो इस देश की हालत यह है कि हमारी सोनिया जी ने आज जब राजनीति में आई तो कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि सोनिया जी आई है नई रोशनी लाई है, नई तो आई नहीं जो थी वो भी चली गई। आपके यहां बिजली है 24 घंटे? क्यों नहीं है? इसके लिए मायावती जिम्मेदार रही है, न मुलायम सिंह जिम्मेदार है, न सोनिया गांधी जिम्मेदार है। बहनों और भाइयों इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आपकी क्षमा मांगकर आपको सच बता देना चाहता हूं, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता जिम्मेदार है। जिस दिन तक तुम जात पात पर होटिंग करोगे, कोई जात वाले ने कभी किसी जात पे चुन कर आने के बाद अपने जात का भला नहीं किया, कोई नहीं कर पा। अगर गलती से अगर जात वाला चुन कर आता है तो अगले चुनाव में पत्नी नहीं तो बच्चों को टिकट देता है और लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम जोरों में करता है और केवल आपके सामने आकर जात की बात करता है।